तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की जो वीडियो रहने वाली है भाई, ये रहने वाली है मारुति सुजुकी जिमनी थंडर पे। ठीक है, तो आप कहोगे कि तुम तो अपनी खुद की यौन में बैठे हो और भाई जिमनी थंडर की कैसे बात कर रहे हो। देखो, मैं रिव्यू नहीं कर रहा, ठीक है, मैं जस्ट एक भाई आपको मोनोपोली बता रहा हूँ मारुति की। या मोनोपोली मतलब गंदी जो मोनोपोली है भाई वो हुई है। और जो आप सभी जिनको जानते होंगे, हर्ष व्लॉग्स जो भैया हैं, हर्ष चौहान भैया, तो उनने भी इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनाई है। तो मैंने भाई सही समझा कि इस बात पे यार एक वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि लॉजिकल रीज़न है भाई हम लोग के पास में ना। मतलब जो मैंने चीज़ें देखी तो मुझे ये लगा कि यार सही बात है भाई, ऐसा नहीं करना चाहिए था मारुति सुजुकी को। ठीक है, अब मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, देखो आज से लगभग 4 से 5 महीने पहले की बात अगर मैं आपको बताऊँ, मारुति सुजुकी जिमनी लॉन्च हुई थी। ठीक है, जो काफ़ी टाइम से ओवर हाइप्ड थी, और उसका जो जीटा वेरिएंट था वो अराउंड मान के चलो 1490 के आसपास, मतलब मैं अपने यूपी में बता रहा हूँ, 1490 के आसपास जो है लिस्टेड थी वो कार। ठीक है, तो भाई मोटा मोटा मान लो 1,500,000 रुपए की वो गाड़ी थी, जेटा वेरिएंट जो था उसका। तो जेटा वेरिएंट भाई 1,500,000 रुपए का, और उसके अलावा उसमें जो है मतलब फीचर वगैरह जो भी थे वो बात अलग थी, बट स्टिल अब 1,500,000 की ये गाड़ी आ रही थी आज से तकरीबन 1-2 हफ्ते पहले तक भी। ठीक है, लेकिन अब जो कार ये आने लगी है थंडर एडिशन में, सेम कार भाई 1,300,000 रुपए की। ठीक है, 1,300,000 रुपए की, मतलब आप मान के चलो ऑन रोड 2,00,000 रुपए सीधे सीधे गिरा दिए। अभी तो फिलहाल और 1,125 तक की हो गई थी गाड़ी, लेकिन 1,300,000 रुपए में भाई ऑन रोड आपको जिमनी का जो है थंडर एडिशन मिलेगा। और है क्या वो जिमनी जेटा ही है। ठीक है भाई, जिमनी जेटा को ही थंडर एडिशन के नाम से बेचा जाने लगा। तो ये भाई, इसमें अब आप बोलोगे यार तुम्हें दिक्कत क्या है, देखो दिक्कत ये है भाई कि आपने मान लो आज से 2 हफ्ते पहले भाई जिमनी ली थी। ठीक है, तो अगर आपने 2 हफ्ते पहले जिमनी जेटा लिया था और आप जाओगे भाई Cars24 वगैरह में उसका प्राइस लिस्ट कराने, तो आराम से 1,340-1,350 की आपका जो प्राइस है, या 14 के आसपास का जो आपका प्राइस है, वो निकल करके सामने आ जाता। ठीक है, तो ये चीज़ थी भाई, 1,300 से 1,400,000 रुपए के बीच आ जाता है। या तो फिर भाई आप किसी और बंदे को भी बेचते ना, तो सोचता कि चलो फर्स्ट हैंड तो मुझे 15 की मिल रही है, तो इनसे जो है मैं भाई 14 की ले लेता हूँ या 1,350 की ले लेता हूँ, एक ही 2 हफ्ते पुरानी तो गाड़ी है। ठीक है, तो आपकी कार भाई सेल हो सकती थी अगर आपको करना था, या मैं कहता हूँ 6-7 महीने पहले भी की भी आपकी गाड़ी थी, 4-5-6 महीने पहले की भी गाड़ी थी या 2 महीने पहले की भी थी, तो भाई 1,350-1,400 इतने तक की तो आपकी कार आराम से निकल जाती। ठीक, बट यहाँ पे क्या हो गया, अब जब भाई फर्स्ट हैंड जिमनी थंडर एडिशन सेम टू सेम कार वो जब आपको भाई 1,300,000 रुपए में कोई देगा, है ना, मतलब फर्स्ट हैंड गाड़ी जब 1,300,000 की आ रही, तो जिनने भाई 2 हफ्ते या 1-2 महीना पहले गाड़ी ली थी, अगर वो बेचने जाएंगे क्योंकि उनने 1,500,000 की ली है, तो वो एक्सपेक्ट कितना करेंगे आप बताओ भाई, कम से कम 12-13-14 लाख रुपए। ठीक है, 13-14 लाख रुपए भाई हफ्ता 2 हफ्ता 1 महीना पुरानी गाड़ी का आदमी एक्सपेक्ट करेगा ही करेगा। ठीक है, जब आप इतना एक्सपेक्ट करोगे, पर जो बायर होगा वो बोलेगा भाई तू पागल है क्या, जब मुझे 1,300,000 में फर्स्ट हैंड गाड़ी मिल रही है तो मैं तेरी 1,200,000 में क्यों लूंगा, मैं 1,00,000 ज्यादा दे के ले लूंगा ना। ऊपर से अगर आप 1,300,000-1,350,000 की गाड़ी भाई बेचने जाओगे, तो और ये चीज होगी कि यार उससे सस्ते मुझे फर्स्ट हैंड मिल रही है तो मैं तेरी सेकेंड हैंड गाड़ी क्यों लूं। ठीक है, तो भाई इससे क्या होगा, जिन लोगों ने ऑलरेडी जिमनी खरीद रखी है और उनका मान लो बेचने का प्लान है भाई, उनकी गाड़ी की अब क्या वैल्यू रह गई आप मुझे ये बताओ, अगर वो बेचने जाएंगे तो भाई क्या मिलेगा उन्हें, कुछ नहीं मिलेगा भाई, क्या रीसेल के नाम पे तो कुछ है ही नहीं। तो अगर मारुति की गाड़ी जो वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस जो रहते हैं आदमी के लेने के लिए, वो ये रहते हैं कि इसमें जो है रीसेल वैल्यू काफ़ी अच्छी है। बट अब यार जब आपने गाड़ी का ये हाल कर दिया कि मतलब 4-5 महीने में इतनी आपने उस गाड़ी की वैल्यू डिप्रिशिएट कर दी, इतना नीचे ला दिया, मतलब सीधे 1,500,000 से 1,300,000 रुपए 2-2.5 लाख रुपए का आप डिस्काउंट दे रहे हो, तो फिर आदमी क्या खरीदेगा। ठीक है, अब हर्ष भैया का केस और ज़्यादा इसमें वो है, उसके पीछे रीज़न ये है कि उनने भाई गाड़ी ली थी 1,480 के आसपास की, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 1,480 के आसपास की उनको गाड़ी पड़ रही थी, पर जल्दी दे देंगे ये कह के मारुति वालों ने क्या किया, कहा अगर आपको और जल्दी गाड़ी चाहिए तो आप EW लो, जिसका मतलब होता है एक्सटेंडेड वारंटी, प्लस में आप एलॉय व्हील्स लगवाओ अल्फा वेरिएंट के। ठीक है, तो ये सब कर करा के भाई 50,000 और महंगी उनको गाड़ी पड़ी 1,530 की। तो 1,530 की भाई उनने गाड़ी खरीदी है, उसके बाद में उन्होंने गाड़ी में मॉडिफिकेशन वगैरह करवाई 4,00,000 रुपए की। ठीक है भाई, 4,00,000 के अपने अलॉय व्हील्स, म्यूजिक सिस्टम, दुनिया भर की चीज़ें, जी वैगन, टेल लाइट, हेडलाइट, ग्रिल, फलाना ढिमकाना, भाई बहुत मोटा खर्चा करने के बाद उनकी गाड़ी 1,950,000 रुपए के आसपास की पड़ी। तो इतना पैसा अगर आप दे रहे हो और उसके बाद में क्या हो रहा है, अगर अभी वो इस अपनी गाड़ी को बेचने जाएंगे ना,
तो भाई 19.5 लाख की उनको गाड़ी पड़ी मॉडिफिकेशन करा के, भाई कोई 15 लाख रुपए भी नहीं देगा। क्यों भाई, बंदे के मन में सीधी सी बात ही आ जाएगी कि मुझे फर्स्ट हैंड गाड़ी ज्यादा सस्ते में मिल रही है। तो भाई ये जो चीज है ये मारुति की काफी ज्यादा अजीब है। गाड़ी लॉन्च होने के 6-7 महीने के अंदर इतना ज़्यादा भाई प्राइस कोई भी कंपनी नहीं गिराती। उल्टा आप अच्छी अच्छी ब्रांड्स देखो, हुंडई हो गई, टाटा हो गई, ये सारी गाड़ियों के रेट भाई बढ़ते चले जाते हैं क्योंकि इनका माल बिक रहा है। अब जो इनने रेट कम किया ना भाई, उसके पीछे सिर्फ एक रीज़न है कि जो इनकी स्टॉक में जिमनी खड़ी हैं, जो सड़ रही हैं, जो कोई नहीं ले रहा, वो हो रही हैं ख़राब। तो इसलिए इनका बाप भी डिस्काउंट देगा ताकि भाई सब लोग आएँ और गाड़ी खरीदें, वरना इनका स्टॉक ख़राब हो रहा है खड़े खड़े। और एक टाइम आएगा अगर भाई अपना इमिशन नॉर्म्स वगैरह अपग्रेड होंगे ना, तो इनकी नहीं आ जाएगी डूब। तो ये रीज़न है भाई मोटा मोटा ऑल इन ऑल जो इन्होंने रेट इतने कम किए। तो जो भी लोग भाई थंडर एडिशन आप लेने जा रहे हो, वो सड़ी हुई गाड़ियाँ हैं, बिल्कुल भी मत लेना। और मारुति ने जो मोनोपोली किया है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। मतलब ऑल इन ऑल अगर मैं आपको कंपाइल करके बताऊँ सारी चीज़ें, मतलब एक आप कहते हो ना जो ओवरऑल कंक्लूजन, तो वो ये है कि अगर भाई मैंने 15 लाख की गाड़ी खरीदी आज से 2 हफ्ते पहले, आज मैं उसे बेचने जाऊंगा तो कोई भी उसे 12 लाख का नहीं खरीदेगा। उसके पीछे रीज़न ये है कि अब वो नई गाड़ी ही 13 लाख की है, ठीक है। तो इसमें भाई मेरा नुकसान होगा और बिल्कुल होगा। तो यही चीज़ भाई, ये काफ़ी ज़्यादा गलत बात थी मारुति की। और इतना ही था गाइस आज की इस वीडियो में। आई होप आपकी वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना कैसी लगी वीडियो, आगे कैसी वीडियोज़ चाहिए। चैनल पर नए सब्सक्राइब करना। मिलते हैं न्यू वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।